नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नवीन कुमार गर्ग, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज पलथेड़ा अलीगढ़। रसायन विज्ञान भाग एक के अंतर्गत रासायनिक आवंधन एवं आणविक संरचना के इस अध्याय में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज व्याख्यान 3 होगा। इससे पूर्व पिछले व्याख्यान में हमने जिन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी वे थे फॉर्मल आवेश, अष्टक नियम की सीमाएं, आयनिक अथवा वैध संयोजी आवंध, जालक एंथैल्पी और आयनिक आवंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण। प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वह हैं आवंध प्राचल अथवा बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसके अंतर्गत हम आपको आवंध लंबाई, आवंध कोण, आवंध एंथैल्पी, आवंध कोटि, अनुनाद संरचनाएं और आवंध ध्रुवणता के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है आवंध लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ। प्यारे बच्चों, किसी अणु में आवंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्यवस्था दूरी को आवंध लंबाई कहते हैं। मीन्स क्या है कि जो आवंधित परमाणु हैं उनके नाभिकों के बीच की जो डिस्टेंस होती है लंबाई की रूप में, बॉन्ड लेंथ के रूप में या आवंध लंबाई के रूप में जानी जाती है। आवंधित युग्म का प्रत्येक परमाणु आवंध लंबाई में योगदान देता है। जैसे एक उदाहरण है हमारे पास हाइड्रोजन का। हमारे पास किसका उदाहरण है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं पर, एक परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे परमाणु पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना लिया? एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, एक सहसंयोजी बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। अब हाइड्रोजन का जो नाभिक होगा यहां से लेके और दूसरे वाले हाइड्रोजन के नाभिक के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या कहा जाएगा? यहां से यहां तक आवंध लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ। सहसंयोजी आवंध में प्रत्येक परमाणु का योगदान उस परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ए बी एक हमारे पास सहसंयोजक यौगिक है। इसमें जो ए है इसकी जो सहसंयोजक त्रिज्या कितनी है? आर ए। और दूसरा जो बी है परमाणु, इसकी सहसंयोजक त्रिज्या कितनी है? आर बी। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी ए बी की? ए बी की बॉन्ड लेंथ हो जाएगी इस नाभिक तक की डिस्टेंस। तो इस नाभिक से इस नाभिक तक की डिस्टेंस कितनी होगी? मान के चलिए हमने कैपिटल आर मान लिया, तो आर ए प्लस आर बी। तो सहसंयोजी अणु ए बी में आवंध लंबाई आर बराबर कितनी हो जाएगी? आर ए प्लस आर बी। जहाँ आर क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? बॉन्ड लेंथ या आवंध लंबाई। आर ए और आर बी क्या है? परमाणु ए तथा परमाणु बी की सहसंयोजी त्रिज्याएं हैं। एक ही अणु में आवंधित दो समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। जैसे क्लोरीन के अणु की जो सहसंयोजी त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 99 पिकोमीटर। एक एग्जांपल देखिए, क्लोरीन जो है Cl2, इसको दिखाया गया है, ये Cl का नाभिक, Cl2 की फॉर्म है। एक Cl2 अणु ये है और दूसरा Cl2 अणु ये है। देखिए यहां पर एक ही अणु की बात कर रहे हैं, ये दो डिफरेंट अणु है, ये वाला भी Cl2 अणु और ये वाला भी Cl2 अणु है। यहाँ पर हम जो सहसंयोजी त्रिज्या निकालेंगे एक ही अणु के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ये वाली। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी है? 198 पिकोमीटर। ये हो गई बंद लंबाई। अब सहसंयोजी त्रिज्या कितनी हो गई? इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजी त्रिज्या कहेंगे। तो सहसंयोजी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी कितनी है? 198 पिकोमीटर। और इसका आधा करें तो भाग कर रहे हैं तो कितना जाएगा? 99 पिकोमीटर। अर्थात क्लोरीन के अणु में जो सहसंयोजी त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 99 पिकोमीटर। वांडरवाल त्रिज्या अनावंधित अवस्था में, यानी अब अणुओं के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, मैं संयोजी कोष सहित परमाणु का समग्र आकार रूपित करती है। ये भी क्लोरीन का अणु है और ये भी क्लोरीन का अणु है। अभी हमने इससे पूर्व बताया था कि इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होता है उसको हमने सहसंयोजी त्रिज्या RC से डिनोट किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक अणु क्लोरीन का ये है, दूसरा अणु क्लोरीन का ये है,
इसका एक परमाणु और यहां से एक परमाणु के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, तो क्लोरीन के अणु की वान डर वाल त्रिज्या कितनी होती है इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, तो ये डिस्टेंस कितनी है 360 पिकोमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो वान डर वाल त्रिज्या कितनी होगी आर वान डर वाल त्रिज्या के रूप में बराबर हो जाएगी 360 पिकोमीटर का आधा कितना हो जाएगा 180 पिकोमीटर। तो वान डर वाल त्रिज्या में अनावंधित अवस्था में संयोजी कोश सहित परमाणु का समग्र आकार क्या कहलाता है, वान डर वाल त्रिज्या कहलाता है। और ये दोनों नाभिकों की जो अनावंधित अवस्था में दोनों नाभिक होते हैं उनके बीच की दूरी के आधे भाग को वान डर वाल त्रिज्या के रूप में जाना जाता है। एक और चीज आपको जाननी है बच्चों कि वान डर वाल त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ा होता है। कुछ एकल द्वि और त्रि यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की आवंधों की औसत लंबाइयां एक फिगर में हमने आपको शो किए हैं। इसमें है पहला आवंध OH, इसकी जो बंद लंबाई होती है 96 पिकोमीटर। CH आवंध की लंबाई कितनी होती है 107 पिकोमीटर। NO आवंध लंबाई कितनी होती है 136 पिकोमीटर। CO आवंध लंबाई 143 पिकोमीटर। CN आवंध लंबाई भी 143 पिकोमीटर। CC आवंध लंबाई कितनी होती है 154 पिकोमीटर जो सिंगल बॉन्ड में। सी डबल बॉन्ड ओ आबंध लंबाई कितनी होती है 121 पिकोमीटर। एन डबल बॉन्ड ओ आबंध लंबाई होती है 122 पिकोमीटर। सी डबल बॉन्ड सी यानी द्विबंध की जो आबंध लंबाई यहाँ पर कितनी है कार्बन कार्बन की 133 पिकोमीटर। सी डबल बॉन्ड एन की कैटेगरी में आबंध लंबाई कितनी होती है 138 पिकोमीटर। सी ट्रिपल बॉन्ड एन की आबंध लंबाई होती है 116 पिकोमीटर। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी कि जो आवंध लंबाई होती है वो कितनी होती है 120 पिकोमीटर। कुछ सामान्य अणुओं की आवंध लंबाइयां निम्न प्रकार हैं, जैसे H2 में HH बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 74 पिकोमीटर। F2 में FF बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 144 पिकोमीटर। Cl2 में ClCl बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 199 पिकोमीटर। ब्रोमीन में BrBr बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 228 पिकोमीटर। आयोडीन में II बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 267 पिकोमीटर। नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 109 पिकोमीटर। ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 121 पिकोमीटर। HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच की आबंध लंबाई कितनी होती है 92 पिकोमीटर। HCl में H और Cl की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है HCl की बॉन्ड लेंथ होती है 127 पिकोमीटर। HBr में HBr बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 141 पिकोमीटर। और इसी प्रकार HI में HI बॉन्ड लेंथ होती है 160 पिकोमीटर। अगला हमारा टॉपिक है आज का आवंध कोण यानी बॉन्ड एंगल। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आवंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच बनने वाले कोण को आवंध कोण या बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे H2O, देखिए H2O में क्या है कि एक ऑक्सीजन है, इसकी बाहरी कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया और साझा बराबर था। तो देखिए ये तो बॉन्ड पेयर बन गया, ये क्या है बॉन्ड पेयर, और ये वाला भी क्या है बॉन्ड पेयर, और ये क्या है आपके पास लॉन पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म कौन सा है ये भी लॉन पेयर। तो जो आपके पास केंद्रीय परमाणु जो होता है केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आवंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच एक कोण बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना, तो वो बॉन्ड क्या कहलाता है यहां पर आवंध कोण। तो जैसे HOH का आवंध कोण कितना है 104.5 डिग्री। आवंध एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी, गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट आवंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आवंध एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी या आवंध ऊर्जा कहा जाता है। आवंध एंथैल्पी का मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। एक उदाहरण देखिए प्यारे बच्चों, उदाहरण है हाइड्रोजन के अणु में HH आवंध की आवंध एंथैल्पी 435.8 किलो जूल प्रति मोल होती है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जो हाइड्रोजन अणु है H2 हमारे पास क्या है यहाँ पर अणु,
अब गैसीय अवस्था में ये हाइड्रोजन परमाणु में विभक्त हो जाएगा। तो एक फिगर के माध्यम से देखिए कि जब ये अणु की फॉर्म था, दोनों एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड पेयर है, ये आपको दिख रहा है, बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, दिख रहे हैं ना आपको, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये साझी का इलेक्ट्रॉनिक डिसोसिएट हो गया, टूट गया, और दोनों परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर पृथक हो गई, ये एच परमाणु अलग हो गया, ये एच परमाणु अलग हो गया। इस प्रकार हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है एच एच बॉन्ड वो टूट गया, तो इसके लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, 435.8 किलो जूल प्रति मोल। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन के अणु में ओ डबल बॉन्ड ओ की आवंद एंथैल्पी 498 किलो जूल प्रति मोल होती है, अर्थात ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा है, तो इस प्रकार यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर हैं, दोनों बॉन्ड पेयर में से क्या हुआ, ये डिसोसिएट हुआ, ऑक्सीजन एटम दोनों अलग अलग हो गए, इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कितनी होती है, 498 किलो जूल प्रति मोल। अगला एग्जाम्पल है नाइट्रोजन के अणु में एन ट्रिपल बॉन्ड एन आवंद की आवंद एंथैल्पी 946 किलो जूल प्रति मोल होती है, अर्थात ये नाइट्रोजन एटम दोनों के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होने से क्या हुआ, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर साझे में आके तीन बॉन्ड पेयर हो गए, तो तीन यानी ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब क्या हुआ, ये डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होने से नाइट्रोजन के दोनों परमाणु अलग अलग हो गए, तो इस प्रक्रिया में जो एनर्जी होती है वो आवंद एंथैल्पी कितनी होती है, 946 किलो जूल प्रति मोल। HCl के अणु में HCl की आवंद एंथैल्पी का मान 431 किलो जूल प्रति मोल होता है, यानी HCl गैसेस स्टेट में हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु में विभक्त हो जाता है, तो जो HCl है इसमें हाइड्रोजन एटम अलग हो जाएगा, H एटम अलग हो जाएगा और Cl एटम अलग हो जाएगा, इस प्रकार दोनों परमाणु HCl से अलग होने के लिए जो हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 431 किलो जूल प्रति मोल। बहु परमाणु अणुओं में माध्य अथवा औसत आवंद ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं, मीन्स जैसे H2O की बात करते हैं तो H2O में क्या हुआ, हमारे पास H2O का स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें दो बॉन्ड है, एक है हमारे पास HOH बॉन्ड, बाद में क्या हुआ ये OH बॉन्ड भी डिसोसिएट होकर किस में हो गया, एक O और एक H में, तो दो स्टेप में होगा, पहली स्टेप में क्या होगा कि HOH बनेगा, इसके लिए एनर्जी कितनी होगी, 502 किलो जूल प्रति मोल। दूसरे स्टेप में क्या होगा, OH जो कि गैसेस स्टेट में था ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को पृथक कर देगा, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, 427 किलो जूल प्रति मोल। तो जल के अणु में OH आवंद की औसत आवंद एंथैल्पी कितनी होगी, ये कितनी है, 502 और ये होगी 427, इन दोनों को जोड़ें तो 502 और 427 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 929 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 464.5। तो हम क्या कह सकते हैं कि जल के अणु में OH आवंद की औसत आवंद एंथैल्पी यानी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का मान कितना होता है, 464.5 किलो जूल प्रति मोल होता है। यदि किसी आवंद की आवंद विघटन एंथैल्पी अधिक होती है तो वह आवंद प्रबल होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक तो हमारे पास HOH है, इसकी कितनी है, 119 किलो कैलोरी प्रति मोल। दूसरा HCS3 है, इसमें आवंद डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, 104 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो इनमें से कौन प्रबल है, HOH की ज़्यादा है डिसोसिएशन एनर्जी किसकी अपेक्षा, HCS3 के लिए। HOH का जो आवंद होगा वो कैसा होगा, अधिक प्रबल होगा। आवंद कोटि, बॉन्ड ऑर्डर, सहसंयोजी आवंद की लुईस अवधारणा के अनुसार किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आवंदों की संख्या आवंद कोटि कहलाती है। जैसे H2 हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक का साझा कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए इनके बीच में, एक, तो यहाँ पर बॉन्ड कितना बन गया, एक एकल बंध बन गया, तो इसकी आवंद कोटि कितनी होगी, 1। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की भारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन की भारी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने 2 का साझा कर लिया, यहां से इसने भी 2 का साझा कर लिया तो ओ डबल बॉन्ड ओ बन गया, तो यहां पर आवंद कोटि कितनी हो जाएगी, 2।
इसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन परमाणु है, इसकी बारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसने 3 का साझा कर लिया, यहाँ से इसने भी 3 का साझा कर लिया, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर बंद कोटि कितनी हो जाएगी, 3। तो इस प्रकार जितने आबंध बनते हैं, मीन्स क्या है कि आबंध यहाँ पर 1 बना तो आबंध कोटि 1, आबंध 2 बने हैं तो आबंध कोटि 2, आबंध 3 बने हैं तो आबंध कोटि 3। सम इलेक्ट्रॉनिक अणुओं और आयनों में आबंध कोटि समान होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे F2 में कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। O2-2 में कितने हो गए, 16, और दो बाहर से आ गए तो कितने हो गए इस पर भी 18। तो दोनों पर 18-18 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी आबंध कोटि कितनी है, F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आबंध कोटि 1 है यहाँ पर। इसी प्रकार परोक्साइड आयन की बात कर रहे हैं, तो O सिंगल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, सर -2 है, तो यहाँ पर भी आबंध कोटि कितनी है आपके पास, 1 है। N2CO और NO की आबंध कोटि 3 है। N2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 × 14, यहाँ पर कितने हो गए, 6 × 8 = 14, यहाँ पर कितने हो गए, N के 7, ऑक्सीजन के 8, और एक बाहर जा रहा निकल के, तो बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो इन तीनों में 14-14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे नाइट्रोजन की आबंध कोटि कितनी है, N ट्रिपल बॉन्ड N 3 है, इसी प्रकार सी ओ में आबंध कोटि कितनी है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और एन ओ पॉजिटिव, एन ट्रिपल बॉन्ड ओ और इस पर एक पॉजिटिव साइन लग रहा है, तो इसकी आबंध कोटि कितनी है, 3 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक अणुओं और आयनों में आबंध कोटि समान होती है। अनुनाद संरचनाएं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अनुनाद संकल्पना के अनुसार जब किसी अणु को केवल एक लुईस संरचना के द्वारा निरूपित नहीं किया जा सके, तो समान ऊर्जा नाभिकों की समान स्थितियों और समान आवंधी एवं अनावंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों वाली कई संरचनाएं, जिन्हें कैनोनिकल संरचनाएं कहते हैं, के रूप में लिखी जाती हैं। अणु की वास्तविक संरचना इन कैनोनिकल संरचनाओं के मध्य होती है, जिसे अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, और यह घटना अनुनाद यानी रेजोनेंस कहलाती है। प्यारे बच्चों, विभिन्न अनुनादी संरचनाओं को दो सिरों वाले तीर, डबल हेडेड एरो इस तरह का, दोनों तरफ हेड बना देने हैं, अनुनाद अणु को स्थायित्व प्रदान करता है। ये आपको नोट करना है कि अनुनाद क्या करता है, अनुनाद अणु को स्थायित्व प्रदान करता है। क्यों करता है, क्योंकि अनुनाद संकर की ऊर्जा किसी भी कैनोनिकल संरचना की ऊर्जा से कम होती है। उदाहरण देखिए कार्बोनेट आयन का, कार्बोनेट आयन होता है CO3-2। तो हम कार्बोनेट आयन की वास्तविक संरचना को तीन प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये कार्बन है, इससे 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है, और 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन है, 1, 2। अब हमने इनकी स्थितियों को परिवर्तित कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। रोटेट करने से क्या हुआ कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो स्थितियां थी वो परिवर्तित हो गई, घूम गई, यानी जो डबल बॉन्ड था वो आपके पास आ गया इस वाले ऑक्सीजन पर, और जो नेगेटिव साइन थे वो दोनों यहां पर आ गए। अब क्या हुआ, फिर रोटेट कर दिया, तो जो नेगेटिव वाले ऑक्सीजन हैं, जो नेगेटिव साइंस हैं, वो फिर रोटेट हो गए। तो इस प्रकार ये तीनों संरचनाएं एक दूसरे के समतुल्य हैं, ये तीनों ही क्या है, कैनोनिकल संरचनाएं हैं। CO2 अणु की वास्तविक संरचना को तीन प्रकार से हम शो कर सकते हैं। देखिए CO2 में जो कार्बन होता है, इसके दोनों तरफ ऑक्सीजन होते हैं। अब दोनों तरफ ऑक्सीजन है तो क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इस ऑक्सीजन ने कार्बन से किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इस ऑक्सीजन ने कार्बन से किया है। अब क्या है कि इन दोनों ऑक्सीजन के द्वारा कार्बन का साझा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन इसको दे दे तो इस पर पॉजिटिव साइन आ जाए, इस पर नेगेटिव साइन आ जाए। तो इस प्रकार क्या होगा कि यहाँ पर तो एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यानी O सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इसका रिवर्स हो जाए, ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो O ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, इसने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ पर क्या था, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को 3 कैनोनिकल संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया
किया जा सकता है। नोट है, वास्तव में कैनोनिकल संरचनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। दूसरा नोट है, ऐसा नहीं होता कि अणु कुछ समय के लिए किसी कैनोनिकल संरचना के रूप में उपस्थित रहता है और अन्य समय के लिए दूसरी कैनोनिकल संरचना के रूप में उपस्थित रहता है, ऐसा भी नहीं होता है। तीसरी ये बात भी ध्यान रखनी है कि कैनोनिकल संरचनाओं में चलावयवियों के मध्य पाए जाने वाले साम्य जैसा कोई साम्य नहीं होता है। प्यारे बच्चों, वास्तविक रूप में अणु की केवल एक संरचना होती है जो कैनोनिकल संरचनाओं की अनुनाद संकर होती है। उसे केवल एक लुईस संरचना के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। आवंद ध्रुवणता, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स, अध्रुवीय सहसंयोजी आवंद, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब सहसंयोजी आवंद दो समान परमाणुओं के बीच बनता है तब साझिका इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित होता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म दो समान नाभिकों के ठीक मध्य में उपस्थित होता है। इस प्रकार आवंद को अध्रुवीय सहसंयोजी आवंद या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इन दोनों परमाणु पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसने एक का साझा कर लिया, इसने भी एक का साझा कर लिया। तो अब ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा ये दोनों परमाणुओं से बिल्कुल ठीक बीचों बीच में होगा, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस कंडीशन में, यहां पर क्या होगा, हम इसको H सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हैं, तो ये अध्रुवीय होगा। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बिल्कुल ठीक बीचों बीच में है। इसी प्रकार ऑक्सीजन, इसी प्रकार क्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अध्रुवीय सहसंयोजी आवंद पाया जाता है। दूसरा है ध्रुवीय सहसंयोजी आवंद यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब सहसंयोजी आवंद दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य बनता है तब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे उस परमाणु पर आंशिक क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस प्रकार बने हुए सहसंयोजी बंध को ध्रुवीय सहसंयोजी आवंद कहते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजी आवंद में इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों असमान नाभिकों के ठीक मध्य में उपस्थित नहीं होता है। जैसे HCl की बात करते हैं, तो HCl हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन की, अब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा विस्थापित हो गया Cl की तरफ, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है वह कहां विस्थापित हो गया, वो आंशिक रूप से विस्थापित कहां हो गया, क्लोरीन की तरफ। जब क्लोरीन की तरफ हो गया तो इस स्थिति में जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ठीक बीच में नहीं आकर कहां गया, अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व की ओर विस्थापित हो गया। इस प्रकार H और Cl के बीच में बना जो बंध है वो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। तो इसमें क्या होगा कि क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट, किसी द्विध्रुव के आवेश के परिमाण एवं धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान के हमारे पास दो आवेश हैं, एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और दूसरा माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर कितना हो जाएगा, एक आवेश q और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, r। तो म्यू बराबर आ जाएगा q इंटू r। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है डिवाई, और एक डिवाई बराबर होता है 3.33564 इंटू 10^-30 कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। इसे अणु की लुईस संरचना के ऊपर क्रॉस तीर, क्रॉस तीर का मतलब होता है एक तीर होता है और उस पर एक क्रॉस लगा देते हैं, क्रॉस तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर का क्रॉस अणु के धनात्मक सिरे पर और शीर्ष ऋणात्मक सिरे पर होता है। क्रॉस तीर की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश की पारंपरिक दिशा के विपरीत होती है, यानी जब हम कोई धनात्मक सिरा होगा उधर तो क्रॉस लगाएंगे और ऋणात्मक सिरे पर हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे शीर्ष को यानी हेड को, हेड और क्रॉस।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण है हमारे पास H2O का, तो O ज्यादा नेगेटिव है, तो जो क्रॉस तीर की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, वो एच से ओ की तरफ, इधर भी देखें तो एच से ओ की तरफ है। तो इस प्रकार इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ वर्क करेगा, ओ से बाहर की तरफ वर्क करेगा। तो इस प्रकार इसमें एक परिणामी द्विध्रुव आंगुण होगा, तो इसका मान कितना होगा, म्यू बराबर 1.85 डिवाई। इसी प्रकार BeF2 में फ्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो क्रॉस तीर की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, BE से F की ओर, और इसी प्रकार BE से F की ओर क्रॉस तीर की, तो दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो ये कैसा होगा, द्विध्रुव अघूर्णक होगा, यानी इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, शून्य होगा। BF3 के केस में फ्लोरीन बोरॉन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणी होता है, तो जो क्रॉस तीर की डायरेक्शन है बी से एफ की तरफ हो गई, इसकी भी डायरेक्शन यहां पर हो गई बी से एफ की तरफ, और इधर भी बी से एफ की तरफ हो गई। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां वर्क करेगा, और इन दोनों का परिणामी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, इन दोनों के परिणामी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, शून्य होगा। कुछ चयनित अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे HF है, HCl, HBr, HI और H2, इन सब के द्विध्रुव आघूर्ण आपको सारणी में है। इसी प्रकार AB2 टाइप के जो अणु H2O, H2O, CO2, इनके द्विध्रुव आघूर्ण हैं। AB3 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके भी द्विध्रुव आघूर्ण आपको दिखाए गए हैं। AB4 टाइप के अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण भी आपको सामने फिगर में दिखाए हुए हैं। क्रैश रिवीजन, प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे आवंद प्राचल और इसके अंतर्गत आवंद लंबाई, आवंद कोण, आवंद एंथैल्पी, आवंद कोटि, अनुनाद संरचनाएं, आवंद ध्रुवणता के बारे में हमने आज विस्तार पूर्वक चर्चा की। गृह कार्य, आज के व्याख्यान से संबंधित 4 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है एनसीईआरटी का 4.9, आवंद प्रबलता को आवंद कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। दूसरा प्रश्न होगा एनसीईआरटी का 4.10, आवंद लंबाई की परिभाषा दीजिए। तीसरा प्रश्न है एनसीईआरटी का 4.11, कार्बोनेट आयन के संदर्भ में अनुनाद के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। चौथा और अंतिम प्रश्न आज के इस व्याख्यान के लिए गृह कार्य के रूप में एनसीईआरटी का 4.12, नीचे दी गई संरचना द्वारा H3PO3 को प्रदर्शित किया जा सकता है। ये दो संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये भी H3PO3 को निरूपित किया जा सकता है इस तरह से, और इस तरह से भी H3PO3 को निरूपित किया जा सकता है। क्या ये दोनों संरचनाएं H3PO3 के अनुनाद संकर के कैनोनिकल रूप माने जा सकते हैं? यदि माने जा सकते हैं तो क्यों, और नहीं माने सकते हैं तो उसका कारण आपको लिखना है। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, और शॉर्ट में कहते हैं इसको BSEPR सिद्धांत। इस व्याख्यान में इतना ही, धन्यवाद।